एवरी वन आप सबका ब्लॉग्स में मोस्ट वेलकम किया जाते हैं और मैं हूँ बासित जुबैर और अमजिद और हम तीनों आ आए यकीन मानो आज है गांव में और इधर आप लोगों को आज हम बताने जा रहे हैं कि गोपी की काश्त किस तरह होती है मतलब गोपी का जो पुल होता है वो छोटे से बड़ा होने के लिए क्या मेहनत लगती है कितना अर्सा लगता है और कितना वक्त लगता है ये आज हम आपको बताएंगे आज हम जा रहे हैं जिम्मेदार भाई से मिलने तो चलो उससे मिलकर बात करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना थैंक यू हम आ चुके हैं जिम्मेदार भाई के पास तो पूछने जा रहे हैं कि जिम्मेदार भाई कर, कर क्या रहे हैं ठीक है अच्छा तो भैया जी भैया आपका नाम मोहम्मद असलम अच्छा असलम भाई मेरे को बताइएगा की ये आप क्या कर रहे हो गोभी का अच्छा गोभी काश्त कर रहे हो ये आप गोभी ये छोटे मोटे बूटे लगा रहे हो ठीक है ये ऐसे ही हो जाते हैं या इसके लिए भी कुछ काम करना पड़ता है इसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है अच्छा इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है अच्छा ये आप जो इधर लगा गए हो ठीक है इसकी तरफ कोई और चीज की भी जरूरत होती है बड़ा होने के लिए या नहीं अभी इसको लगाया है तीन चार दिन के बाद इसको खाद डालेंगे फिर इस पर दवाई डालेंगे जी इसको आपने दवाई डाल दी है इसलिए कि कोई जरासीम वरासीम ना लगे इसलिए जब दवाई डाल देते हो कीड़ा लगता है बीमारी लगती है अच्छा बीमारी लगती है इसीलिए आप दवाई डाल देते हो कि इसको बीमारी वगैरह ना लगे ठीक है अच्छा ये बताइएगा कि बहुत सर्दी भी हो रही है अलहमदिल्ला अच्छा भान इतनी सर्दी भी हो रही है तो इतनी सर्दी में काम करना जरूरी है क्या हाँ जी ये बीज तैयार है खराब होता है इसका टाइम भी अच्छा इसका टाइम आप लगा ले तो बड़ा हो जाता है गोडी वगैरह करके ठीक है अच्छा ये बड़ा हो के आप इसका क्या करते हो फिर इसको काटते हैं बंदे होते हैं बाहर निकालते हैं गाड़ी में फिर जमा करके डालते हैं अच्छा गाड़ी में जमा फिर जमा करके कर डाल देते हो ठीक है और फिर मंडी ले जाते हो फिर मंडी ठीक है और मंडी में ले जाके इसका क्या हिसाब होता है किलो के हिसाब से पुल के हिसाब से या क्या सीन होता है इसका ये हमारी छोटी गाड़ियाँ होती है सुजुकी ये उधर होती है मंडी में न जी गाड़ी के हिसाब होता है अच्छा ये हम आपकी वीडियो बना रहे हैं ठीक है और लोगों को बताना चाह रहे हैं कि क्या होता है इतनी मेहनत करनी पड़ती है और ये ऐसे ही नहीं आती बंदों को तो काइंडली तो हम आपकी वीडियो अपलोड कर सकते हैं जी कर जी अच्छा हाजरीन जैसे आपने देखा हमने असलम भाई से माशाल्लाह से बात की और उसने बताया कि ये गोपी की काश्त के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है और क्या क्या करना पड़ता है और देख लो कितनी सर्दी और यकीन मानो मेरा तो पूरा बदन ही जाम हो गया ठीक है इतनी सर्दी हो रही है और फिर भी जिम्मेदार भाई की मेहनत देखो कि गोपी लगा रहे और उसके लिए फिर मेहनत भी कितनी ज़रूरी होती है ठीक है तो आप लोगों को देख पता चली गया कि सुन के ये क्या होता है और गोपी में क्या करना पड़ता है ये वैसे ही पुल नहीं बनता ठीक है इसके लिए मेहनत की जरूरत होती है और काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया गया और ऐसी वीडियो के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे